नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। ये सब जानते हैं महाराजा हरि सिंह जी का आज जो 125वां जन्मवर्षी है, और इस मौके के ऊपर सभी पार्टियों के नुमाइंदे आज अपनी अपनी तरीके से उन्होंने जो है आज अपना ट्रिब्यूट पे किया। लेकिन जो जम्मू के लोगों की मांग है कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पे छुट्टी घोषित होनी चाहिए, वो आज तक मानी नहीं गई है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा साहब मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। सर, ये ठीक है, सभी पार्टियों के हमने आज देखा नुमाइंदे गए, ट्रिब्यूट दिया महाराजा हरि सिंह को, और जो भी उनकी कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर को लेकर उसको भी याद किया गया। लेकिन जो जम्मू के लोगों की मांग है कि छुट्टी घोषित होनी चाहिए, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। आप ये बात समझते हैं? देखिए, पहले तो मैं महाराजा हरि सिंह जी बहादुर को अपनी भावभीव ट्रिब्यूट्स पे करना चाहूंगा, क्योंकि महाराज साहब एक ऐसे राजा थे जो लोगों के हक में जिन्होंने हमेशा बात की, और मेरे ख्याल पूरे हिंदुस्तान में एक वाहिद ऐसे महाराजा थे जिन्होंने वो इकदाम उठाए जो गरीब गुरबा और इंसाफ पे जिनकी बुनियाद थी जी। जहां तक और सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि महाराज साहब ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए की, एक तो डोगरा साम्राज्य बना जो महाराज गुलाब सिंह जी की वजह से बना, और पूरा जम्मू कश्मीर तिब्बत तक गिलगित तक हमारा था और जम्मू कश्मीर का हिस्सा था जी। और उसके अलावा जो महाराज हरि सिंह बहादुर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को दस्तखत किया, उसमें उन्होंने वो सारी शरायत रखी जिससे कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले जम्मू कश्मीर के वासी जो हैं उनको हर किस्म की प्रोटेक्शन मिले, जो उन्होंने 1927 और 1932 के स्टेट सब्जेक्ट के लॉ में लाई थी, वो प्रोटेक्शन भी उन्होंने इंश्योर की। और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन किया, उसमें उन्होंने सबसे पहले तरजीह दी कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले जम्मू कश्मीर के लोग जो उनके उस वक्त स्टेट सब्जेक्ट थे, उनको विशेष सहूलियात भारत में मिले और उनको एक विशेष दर्जा भारत में मिले। मैं समझता हूँ ये उनकी बहुत दूर की सोच थी, और उस सोच के चलते उन्होंने पूरा ऐसा प्रावधान किया कि जम्मू कश्मीर के जो आवाम है उनके स्टेट सब्जेक्ट हैं उनको जी जी सर बताएं स्पेशल दर्जा मिले। और जहां तक छुट्टी का सवाल है आपने पूछा जी, जम्मू के आवाम चाहते हैं कि महाराज साहब के जन्मदिन पे छुट्टी होनी चाहिए, और हम सब ये इस बात की तायीद करते हैं। मैंने तो दो बार असेंबली में फ्लोर ऑफ द असेंबली, बहुत बुरा भी कई लोगों को लगा बिना उस बात के प्रवण किए हुए, दो बार फ्लोर ऑफ द असेंबली में मैंने ये कहा कि जम्मू के लोग, अगर जमहूरियत क्या होती है, जमहूरियत होती है जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको वो बात करनी चाहिए जिन लोगों को वो रिप्रेजेंट करते हैं उनकी क्या भावना जी, है। और मैंने असेंबली में कहा, दो बार कहा, ये रिकॉर्ड चेक कर लीजिए असेंबली में, ये कोई ऐसी बात नहीं, रिकॉर्ड फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा और रिकॉर्ड में होगा। दो बार मैंने ये कहा कि छुट्टी, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा, मैंने उस चीज की परवाह की है बिना, दो बार ये कहा कि जम्मू के लोगों की ये भावना है कि छुट्टी होनी चाहिए और छुट्टी देनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही क्यों छुट्टी जो है वो नहीं दी जा रही, ये फैसला आखिर सरकार का है, और आज जो सरकार है उसने उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्होंने हमेशा छुट्टी की मांग की, और मुझे लगता है कि वो जरूर छुट्टी करवाएंगे। पिछले साल भी उन्होंने आश्वासन दिया, उससे पहले भी आश्वासन दिया, और मुझे पूरा उम्मीद है कि भाजपा जो है वो वचनबद्ध है इसके लिए, और मैं समझता हूँ कि भाजपा को इस वचन को भी निभाना चाहिए जी। सर, आप एक दिग्गज सियासतदान हैं, बहुत नजदीकी से बारीकी से जो है सियासत को समझते हैं जम्मू कश्मीर की, आपको क्या लगता है क्या वजूहात है इसके पीछे, क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये मांग बहुत लंबित है। देखिए जी, हर वक्त में हर अलग अलग बातें हुई जिसकी वजह से ये नहीं हुआ होगा, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि अब तो केंद्रीय सरकार भी ये करना चाहती है और राज्य सरकार भी उसी सरकार की कड़ी है,
और भाजपा ने प्रजा परिषद मूवमेंट जब यहाँ चली उसके संचालक रही है भाजपा, तो मुझे लगता है कि भाजपा को, मुझे समझ नहीं आ रही कि भाजपा को किस बात की दिक्कत आ रही है जब लोग ये चाहते हैं करना, और भाजपा भी इस के हक में है और भाजपा की सरकार दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में है, तो कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए। पहले उन्होंने कहा कि शायद उस वक्त भाजपा की मिली जुली सरकार थी तो शायद इसलिए रुकावट थी, अब तो वो भी पिछले तीन साल से मसला खत्म हो गया, अब तो गवर्नेंस रूल चल रहा है जो, और अब तो बिल्कुल ही केंद्रीय सरकार। लेकिन एक बड़े अफसोस की बात है कि जो महाराजा हरि सिंह जी के दो केंद्र बिंदु थे, एक तो डोगरा साम्राज्य उसको तोड़ के दो हिस्से करके हमें यूपी बना दिया, होना ये चाहिए था कि हम एक राज्य थे, एक बहुत दुनिया के एक बहुत बड़ा राज्य था डोगरा साम्राज्य था जी। और डोगरा साम्राज्य का शौर्य जो था, डोगरा साम्राज्य का जो प्रतिष्ठा थी वो पूरे सेंट्रल एशिया तक उसकी मशहूर थी, और एक वक्त आ गया था कि डोगरा साम्राज्य जो है वो तिब्बत तक पहुंचा, और उसका झंडा जो था जनरल जोरावर सिंह ने तिब्बत तक लगाया, और महाराजा हरि सिंह जी बहादुर ने वो उस राज्य को संभाल के रखा और संभाल के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया। लेकिन आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है उनकी जन्मतिथि पे कि आज वो राज्य जो है उसको तोड़ दिया गया है, आधा हिस्सा जो था, कुछ हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, कुछ चाइना में है, कुछ अब यूटी बन गए, दो यूटी बन गए, हम राज्य से यूटी बन गए और यूटी राज्य के भी दो हिस्से हो गए, एक वो और दूसरा जो महाराजा हरि सिंह बहादुर का एक बहुत मजबूत और ठोस कवच जो उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट का जम्मू कश्मीर के अवाम को पहनाया था वो भी चला गया। तो मैं समझता हूँ आज हमें इन तीन चीजों पर मंथन करना चाहिए जी, कि महाराजा हरि सिंह जी ने जो हमें और डोगरा साम्राज्य जो था वो टूट गया उस पर मंथन करना चाहिए, हम यूटी बन गए राज्य से और हमें हमारा विभाजन हो गया, आगे ही चाइना और पाकिस्तान के पास कुछ हमारा हिस्सा है, अब भारत में भी जो हमारा हिस्सा है उसके भी दो हिस्से हो गए। फिर दूसरा जो हमें मंथन करना चाहिए कि महाराजा हरि सिंह ने जो 1927 में स्टेट सब्जेक्ट लाया था जिससे हमारी जमीनें, हमारे रोजगार, हमारा व्यवसाय, हमारा बचता था, वो भी खत्म हो गया। और तीसरा ये है कि महाराजा साहब के दिन पे जब छुट्टी का वादा किया गया है, और अब तो कोई रुकावट भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिन्होंने छुट्टी का आह्वान किया वही आज दिल्ली में भी राज कर रहे हैं, वही आज जम्मू कश्मीर में भी राज कर रहे हैं, और किसी और की मदाखलत नहीं है। नहीं तो पहले तो बड़ी आसानी से कह दिया जाता था कि नहीं जी ये पार्टी नहीं करने दे रही, वो पार्टी नहीं करने दे रही, अब तो कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए। तो हमें सबको उम्मीद थी पिछले साल भी कि ये हो जाएगा, इस साल भी उम्मीद थी कि हो जाएगा। अब वो जब मैं बात करूंगा तो मेरे कुछ साथी ये कहेंगे कि भाई तुमने क्यों नहीं करवाया, भाई हमसे नहीं हुआ, हमसे नहीं हुआ, लेकिन हमने कम से कम असेंबली में दो बार खड़े होकर मैंने असेंबली के फ्लोर पे कहा कि छुट्टी होनी चाहिए, छुट्टी देनी चाहिए, और आज भी आपके माध्यम से कहता हूं कि अगर जिस वक्त जम्मू के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जम्मू के लोगों के इसके साथ एक जम्मू के लोगों का एक जज्बात है, तो जम्मू के लोगों का राज्य भी टूट गया, स्टेट सब्जेक्ट भी टूट गया और महाराजा साहब की छुट्टी भी नहीं हुई, मैं समझता हूं कि ये जम्मू के लोगों के साथ के जज्बात के साथ एक खिलवाड़ है। राणा साहब, यहां पे सवाल ये उठता है कि यूटी बना के बीजेपी ने क्या अपमान किया है महाराजा हरि सिंह का, जो उन्होंने सपना देखा था उन सपनों को कहीं ना कहीं तोड़ा है, आपको लगता है? मैं नहीं समझता कि मुझे इस कंट्रोवर्सी में आज महाराज साहब के दिल में पड़ना चाहिए, लेकिन आज हर आदमी के दिल में एक खलश है, दुख है, कोई बोले या ना बोले, कहां जम्मू कश्मीर राज्य और कहां हम यूनियन टेरिटरी, हम तो एक महकमा बन गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, और उसके असरात जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग बड़ी भांति समझ रहे हैं। जो लोग कल तक बहुत खुशियां भी मना रहे थे कि नहीं यूटी बन गई, वो भी आज परेशान हैं। देखिए इसमें सियासत नहीं है, देखिए लोगों का भला होना चाहिए, लोगों का बका होनी चाहिए, सियासत बाद में। आज हम
तारीख के उस चौराहे पे वैद साहब खड़े हैं जहाँ पे सियासत नहीं, आज लोगों का आवाज सुनिए। ठीक है सर, सर मैं यहाँ पे सवाल पूछता हूँ कि क्या जो पीओके है, अक्साई चीन है, और जम्मू कश्मीर का जो तमाम इलाका है जो कि एक जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, वो वापस आना चाहिए? बिल्कुल, अगर मैंने परसों आज को 10 दिन पहले भी बयान ये दिया कि जहां तक भारत की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी का सवाल है, जहां तक भारत की अपनी अखंडता और भारत की मजबूती का सवाल है, हर आदमी को जो भारतीय है, हम सब लोगों को मिलकर भारत के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि भारत पे कोई, भारत माता की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अक्साई चिन्ह हमारा है, अक्साई चिन्ह हमें आना चाहिए। और इसमें कोई भी हम जो है हम पीछे नहीं हटेंगे। जब जिस वक्त भी कोई भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा, खा वो पाकिस्तान हो, खा वो चाइना हो, हम लोगों को सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले हम भारतीय हैं, नेशन फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया, वक्त इंडिया को अपनी बात कही। तो दविंदर सिंह राणा जिनका कहना है कि आज के दिन सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो एक सपना था महाराजा हरि सिंह का, वो उसको पूरा करने की कोशिश होनी चाहिए। यहाँ तक कि जो ये यूटी बनाई गई है, ये भी एक तरह से धोखा है जम्मू के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। जो तमाम जो इलाके हैं पीओके के, एक्साई चीन के, वो मिलने चाहिए वापस। और महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो छुट्टी की एक मांग है जम्मू के लोगों की, वो एक जायज मांग है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। माध्यम से जी सर, बोले सर, बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं और समझदार जर्नलिस्ट हैं, एक बात और कहूंगा, जम्मू ने कभी यूटी नहीं मांगा जी। जम्मू की हमेशा ये थी कि हमें सेपरेट स्टेट दी जाए जी। जम्मू ने कभी यूटी नहीं मांगा, लद्दाख ने यूटी मांगा जी। आपने लद्दाख को यूटी दे दिया जी, आपने जम्मू को क्या दिया? जम्मू पहले, जम्मू को आपने कहा था हम ए क्लास बनाएंगे, अब आपने हमें सी क्लास बना दिए। लेकिन सर बीजेपी का भी ये कहना है, लेकिन सर बीजेपी भी कहती है हम वापस करेंगे, स्टेटहुड वापस मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? हालांकि वो डेडलाइन घोषित नहीं हुई है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो उनका भी कहना है कि हम भी चाहते हैं कि जो है स्टेटहुड वापस दिया जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं सिर्फ आपके माध्यम से इतनी बात कह के अपने विचार को विराम दूंगा, जम्मू कश्मीर हमारी शान है जी और भारत की शान है जी। जम्मू कश्मीर मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। हम सबको भारत को मजबूत करना है, हम सबको जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है। और आज डोगरा महाराजा हरि सिंह जी बहादुर के जन्मदिवस में हमें सबको प्रण लेना चाहिए कि हम सब लोग जम्मू कश्मीर को मजबूत करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों की बका और उनकी भलाई के लिए जो महाराजा साहब ने रास्ता बनाया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में और स्टेट सब्जेक्ट लॉ में, उसको मजबूत करेंगे। ये मेरे ख्याल में हमें प्रण लेना चाहिए, ये सबसे बेहतरीन श्रद्धांजलि होगी उनको, क्योंकि महाराजा साहब में वो दूरअंदेशी थी, वो दूरदेशी थी जो शायद किसी महाराजा में नहीं थी, तभी उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट लॉ लाया। मैं समझता हूँ महाराजा साहब का वो स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो हमें कवच जो हमसे छीना गया है, उसके असरात जो हैं अगले 10-15 साल पे हम पे दिखेंगे। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज महाराजा साहब के दिन पे हम सबको ये प्रण लेना चाहिए कि हम जम्मू कश्मीर को मजबूत करें, जम्मू कश्मीर के लोगों को मजबूत करें, ताकि भारत मजबूत हो। भारत की शान है जम्मू कश्मीर और हम भारतीय जो है हम सबको मिलकर जम्मू कश्मीर और भारत को मजबूत करना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात कही। तो देवेंद्र सिंह राणा जिन्होंने ये साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर जो एक शान है, ताज है हिंदुस्तान का, उसको मजबूत करना होगा और सबको जो है मिल के साथ होके सामने आना होगा। तो हम चाहेंगे कि हम इसके ऊपर जो है बीजेपी का भी, अन्य पार्टियों का भी रिएक्शन लें, हम उनसे भी जो है करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कंट्रोल रूम से कि बीजेपी और जो अन्य पार्टियाँ हैं
उनसे भी जो है कनेक्ट किया जाए, क्योंकि ये वाजे है कि सभी तमाम पार्टियां जो हैं ये दावे तो करती हैं कि ठीक है महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है छुट्टी घोषित होनी चाहिए, लेकिन इनिशिएटिव कौन लेगा ये कोई नहीं जानता। सब जो है वो ये तमाम बातें होती हैं जब उनका जन्म दिवस जो जब आता है तो कई फंक्शंस जो है मुनक्कित करवाए जाते हैं, वहाँ पे श्रद्धांजलि भी जो है वो दी जाती है, लेकिन जब ये बात आती है कि जम्मू के लोग जो है वो छुट्टी चाहते हैं और उनका ये विश्वास है कि अगर छुट्टी जो है उनको मिलेगी तो उनको एक उनकी आस्था जो है उसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इसकी ओर भी ध्यान देना होगा। केवल ठीक है ये जो है पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि जो पीओके और अक्साई चीन का जो जो इलाका है वो भारत का अभिन्न अंग है और वो भारत वापस लेगा और लेना भी चाहिए, और तमाम जो इस वक्त जो पार्टियां हैं वो भी ये मानती हैं कि जो पीओके का हिस्सा है या अक्साई चीन का हिस्सा है, जो अनडिवाइडेड जम्मू एंड कश्मीर है वो हिस्सा भी वापस आना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर ताज है हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के ताज में जितने भी रत्न हैं वो वापस आने चाहिए। ये तमाम जो है मांगे जायज़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छुट्टी की जो मांग है महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये भी जायज़ मांग है। हम हमारे साथ इस वक्त जो है बीजेपी के सीनियर लीडर जो हैं अभिजीत जसोटिया साहब भी आ चुके हैं। अभिजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। धन्यवाद। अब जी इससे पहले हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा से जब पूछा तो उनका कहना है कि अब तो बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी को करना चाहिए, वो मानते हैं ठीक है हमसे नहीं हुआ हम नहीं कर पाए, लेकिन अब बीजेपी के पाले में गेंद है वो कर सकते हैं छुट्टी घोषित। जी मुझे तो सबसे पहले इनकी स्टेटमेंट को काउंटर करना है कि देवेंद्र सिंह राणा जी ने कहा हमसे नहीं हुआ नहीं, हम करना नहीं चाहते थे जी। और जिस पार्टी से देवेंद्र सिंह राणा जी ताल्लुक रखते हैं ये वो पार्टी है जिसने डोगरा रूलर्स को डिफेमेशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें आज भी याद है जब इनके उमर अब्दुल्ला एज ए सीएम जाके इन्होंने सांबा में हमारे महाराजा के लिए क्या बयान दिए थे, इसके कारण इनकी वहां पर क्या दुर्दशा की सांबे के लोगों ने अच्छी तरह से याद होना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराजा हरि सिंह जैसे सेकुलर राजा के लिए इन लोगों ने जो अपशब्द कहे, इन लोगों ने जो सियासत रची, और उस समय इनके जो मरहूम शेख साहब हैं उन्होंने कैसे मिलकर महाराजा के खिलाफ एक षड्यंत्र यहां पर रचा था जी। मैं आपको बता देना चाहता हूं राजन वैद जी, हिंदुस्तान में जब आजादी से पहले अगर आपको याद होगा तो 562 के करीब राजाओं की एक जो वो ग्रुप बना था, उस ग्रुप को अगर कोई लीड कर रहे थे तो वो महाराजा हरि सिंह थे। उस समय इस ग्रुप को नाम दिया था नरेंद्र मंडल का नाम दिया गया था इस ग्रुप को, और उसके जो हेड थे वो उसमें महाराजा हरि सिंह थे। और सबसे बड़ी बात ये, सन 1930 और 32 की गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई उसमें अंग्रेजों को लगा शायद ये राजा हैं सारे के सारे, तो शायद ये कभी भी आजादी की बात नहीं करेंगे। बट टू द सरप्राइज ऑफ एवरीवन, मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कि महाराजा हरि सिंह ने सन 1930 और 32 की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान को आजाद करने की बात की, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बात करना बहुत बड़ी बात थी। महाराजा हरि सिंह जैसा सेक्युलर नेता, सेक्युलर राजा कोई हो नहीं सकता। छोटे साहब लेकिन छुट्टी की बात पे आए कि छुट्टी क्यों नहीं घोषित हो पाई है अब तक। मैं राजन जी इसमें एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे लगता है इंसान से ज्यादा इंसान के किए हुए कार्यों को अगर आप रिकॉग्नाइजेशन देते हैं ये अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है। जो अगले महीने जो विलय दिवस जिसकी छुट्टी भी अनाउंस्ड है, और विलय दिवस जिसको मुझे हर्षोल्लास से पूरी स्टेट पूरी यूटी मनाएगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो मुझे लगता है इंसान से ज्यादा जब आप इंसान के कामों की सराहना करते हैं, इंसान के किए हुए अच्छे कार्यों को जब आप जो है मान्यता देते हैं, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो मुझे लगता है जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं, जबकि उन्हें देखना चाहिए कि महाराजा हरि सिंह के कार्य को जो है पूरी पार्टी ने जो रिकॉग्नाइज किया। लेकिन देवेंद्र सिंह राणा साहब का कहना है कि यूटी का स्टेटस दे के जो है एक होम मिनिस्ट्री के अंडर जो है अब जम्मू कश्मीर को ला दिया है, ताकि एक जम्मू कश्मीर एक राज्य था, यहाँ के लोगों की तब इज्जत थी, अब इज्जत उतनी नहीं है जैसे कि यूटी अब बन गया जब से। तो आप इस बात को मानते हैं कि यूटी से डिग्रेड हो गए हम? ये बहुत हास्यास्पद है अगर आप रविंद्र राणा जी के ये बयान बोले
तो जो ये डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो जम्मू की सबसे बड़ी डिग्रेडेशन इन 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 जैसे नेताओं ने और चंद कांग्रेस के नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर बेस्ड पार्टियों के साथ मिलकर की है। और रही बात अगर आप इसकी बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत का जो इन और उनकी पार्टियों ने मिलजुल कर जो हाल किया था वो एक पेशेंट की तरह था, जो पेशेंट आईसीयू में पड़ा हुआ था उस पेशेंट की जब सर्जरी की गई उसके बाद उस पेशेंट को ठीक किया जाना जाता था। तो ये एक प्रिलिमिनरी स्टेप है जो यूटी में डिवाइड किया जाए। बहुत जल्दी अगर आप देखेंगे माननीय गृह मंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, सबने ये चीज कही है कि इसको फिर से स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के किए हुए जो उन्होंने इतिहास में जो गलतियां की हैं और जो जम्मू वालों से नाजायज चीजें की हैं उसी के कारण इसको ठीक करने के लिए, हालात को ठीक करने के लिए सब चीजें करना जी जी। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये ठीक है, ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी है कि जो पीओके और अक्साई चीन का जो हिस्सा है वो भी जम्मू कश्मीर का ही एक हिस्सा है, अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर। तो आपको लगता है कि यूटी बनके एक तरह से लोगों के मन में, खासकर जम्मू के लोगों के मन में आ गया कि एक तो ये कहते थे कि भाई पीओके लाएंगे लेकिन पीओके तो हम नहीं ला पाए, लेकिन जम्मू कश्मीर स्टेट को ही डिग्रेड कर दिया आपको। चलो ठीक है, हम सियासतदानों को एक साइड पे रखते हैं, जम्मू के लोगों की बात कीजिए। आपको लगता है जम्मू के लोगों की भी मांग है कि यूटी होना चाहिए, इसके लिए यहाँ से रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं भेजा गया सेंट्रल गवर्नमेंट को? देखिए जी, मैंने वही बात आपसे पहले भी की राजन जी, अगर आप बात करते हैं अक्साई चीन की और बाकी इलाकों की अगर आप बात करते हैं तो इन्हीं के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो पार्टी बैठी थी उसमें सेंटर में कांग्रेस, ये सारे के सारे अगर आप इलाके देखें तो ये तो इन्होंने खुद थाली में परोस कर इनको दिए हुए हैं। और जिस इलाके की बात कर रहे हैं, ये इलाका तो हमने 2012-13 में दिया, सारे के सारे इलाके इन्होंने चीन को, और यहां से कांग्रेस पार्टी चीन को इलाके देती थी, वहां से इनके राजीव गांधी फाउंडेशन में फंड आ जाया करते थे। तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी या कांग्रेस होगी, एक ही बात है इन दोनों की, तो ये कभी भी इस चीज की बात नहीं कर सकते। हाँ, इतिहास में जो गलतियां इन लोगों ने की थी जिसके कारण ये इलाके हाथों से चले गए, आज हमारे भारत के वीर जवान, भले वो गलवान के जवान हो बाकी वो जवान हो, वो आज वहां पर डटे पड़े हैं ताकि चीन ने जो दुस्साहस पहले किया था वो फिर से ना कर पाए। मैं चाहूंगा कंट्रोल रूम से कि बलवंत सिंह मंडकोटिया को भी कनेक्ट करने की कोशिश की जाए, क्योंकि पैंथर्स पार्टी ने भी ये मांग काफी उठाई थी कि जो है महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पे जो है छुट्टी घोषित होनी चाहिए। लेकिन तब तक मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं जसरोटिया साहब, ये सभी तमाम लीडर जो है आज श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं, लेकिन जो असली श्रद्धांजलि है वो जम्मू के लोगों का कहना है कि अगर छुट्टी घोषित होगी वही उनके लिए श्रद्धांजलि है, उसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो शामिल हैं। राजन जी, मैं फिर से यही बात करूंगा आपसे कि आज तक जो दौर रहा एनसी और कांग्रेस का, यहां पर एनसी थी और कांग्रेस की सरकार और सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, इन लोगों ने कभी भी महाराजा साहब की वो जो महाराजा साहब को आज दर्जा दिया गया है, इन लोगों ने कभी भी वो दर्जा नहीं दिया। बड़ा ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि महाराजा साहब का अगर कोई स्टैचू लगता था या हमारे किसी भी डोगरा रूलर का स्टैचू लगता था, उनके नीचे कश्मीरी लीडर अपना नाम ही लिखवाते थे, डरते थे उनके नीचे नाम लिखवाते हुए। तो एक उन्होंने एक किस्म का जो हमारे साथ भेदभाव किया, ये सबके सामने है। जी 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 बताएं अभिजीत जी, बताएं जी। जैसे कि अभिजीत जी बीजेपी से, उन्होंने कहा कि तमाम जो ये पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, इतने साल तक जो है हुकूमत की जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये जो है छुट्टी घोषित नहीं करवा पाई। वहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं उनका कहना है कि ठीक है वो नहीं करवा पाए, लेकिन आपकी हुकूमत है, केंद्र में भी है, यहाँ भी है, आप करवा सकते हैं, आप करवाइए। तो ये छींटाकशी जो है आप देख सकते हैं, एक पार्टी कहती है दूसरी पार्टी ने नहीं करवाया, तो एक दूसरी पार्टी बोलती है ठीक है हमने नहीं करवाया तो आप करवा लीजिए, लेकिन असल मुद्दा दब के रह जाता है कि असल मुद्दा यह है कि तमाम जो ये पार्टियां हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ पाती हैं, क्यों नहीं एक मुद्दे पे सहमति जताती हैं कि ठीक है। ठीक है, अभिजीत जी के बाद मैं चाहूंगा कि बलवंत सिंह मंडकोटिया साहब का भी व्यू लिया जाए, मैं चाहूंगा कंट्रोल रूम। ठीक है, तो अभिजीत जी को, जी जी, अभिजीत जी ने बताया कि ठीक है हम भी कोशिश में लगे हैं कि हमारी जो हुकूमत है केंद्र में, उनका ये भी कहना है कि जो है स्टेटहुड वापस दी जाएगी, लेकिन हालांकि इसके लिए डेडलाइन कोई घोषित नहीं की गई। ठीक है अभिजीत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि स्टेटहुड वापस दी जा सकती है, लेकिन कोई डेडलाइन क्यों नहीं इसके लिए घोषित की जाती?
जी मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज है हालात, जब यहां पर हालात सामान्य हो जाएंगे तो जरूर दी जाएगी। इसके अंदर अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म से अगर बात की गई है तो जरूर की जाएगी, लेकिन हमें ये चीज तो सबसे पहले जानने की जरूरत है हम सबको कि ये स्टेट को यूपी में कन्वर्ट करने की नौबत क्यों आई। जी जी, अगर पुरानी पार्टियों ने अगर अपना दायित्व निभाया होता, अगर उन्होंने यहां पर जम्मू और कश्मीर दोनों के साथ बराबर का इंसाफ किया होता, जैसे आज महाराजा हरि सिंह की हम बात करते हैं जिन्होंने हमेशा जम्मू और कश्मीर दोनों को अपनी दो आंखों की तरह देखा, अगर पुरानी पार्टियों ने भी यहां पर ऐसा किया होता तो ऐसी नौबत ही ना आती ना। यहां पर अगर पुरानी पार्टियां जो यहां पर कई तरह से कभी पाकिस्तान की बातें करती थी, कभी मिलिटेंटों के साथ मिल जाती थी, कभी सेपरेटिस्ट के साथ मिल जाती थी, अगर वो हालात बद से बदतर यहां ना कर देते, और सबसे बड़ी बात सन 87 में अगर वो चुनावों में रिगिंग ना करते, जीते हुए को ना हराते, हराए हुए को ना जिताते, तो इतना बड़े कभी भी इस रियासत में ये कत्लोगारत ना फैलती, ये खून खराबा ना होता। उन्हीं के किए हुए पापों के कारण आज हम सब लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि इस स्टेट को यूपी में कन्वर्ट करना पड़ा। ये एक मजबूरी के तौर पर आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर से स्टेट जो है बनेगी, ये भी अश्योरेंस मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को देना चाहता हूं। ठीक है, आप अश्योरेंस देते हैं कि स्टेट जो है, जो स्टेटहुड का एक दर्जा है, वो वापस आएगा। ठीक है, लेकिन मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है अभिजीत जी, क्या महाराजा हरि सिंह की छुट्टी हर कोई चाहता है? जम्मू के लोग चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है, बीजेपी चाहती है, अन्य पार्टियां चाहती हैं, पैंथर्स पार्टी चाहती है, तो एक प्लेटफॉर्म पे आके क्यों नहीं ये मांग उठाई जाती? क्या वजह क्या है? क्या आपको लगता है लाजमी है छुट्टी घोषित करना, या आपको लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे भी इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने काम किए हैं उनको हाईलाइट करना? सबसे पहले अगर आपने बात की ये सब पार्टियां चाहती हैं, मैं यहां पर आपको थोड़ा ठीक कर देना चाहता हूं, इन पार्टियों की नीयत में सबकी खोट है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इन्होंने कितने दशकों तक जम्मू कश्मीर की रियासत पे राज किया। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी यहां पर स्टेट में भी सरकार थी और सेंटर में भी साइमल्टेनियसली इनकी सरकार थी। जो पैंथर पार्टी है इनके भी मंत्री बने, ये भी इनके साथ सरकार में यहां थे, तो तब इनकी नीयत कहां गई थी? तब इनको ये सब क्यों नहीं याद आया? तो ये बातें यहीं से पता लगती कि ये लोग महज इस पे अगर कुछ कर रहे हैं तो सियासत कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। इनका छुट्टी से कुछ लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ कोई बात मिलनी चाहिए करने के लिए। और जो भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉग्नाइजेशन दी है महाराजा साहब के किए हुए कार्य को, सबसे बड़ा कार्य विलय दिवस के रूप में जो उन्होंने मनाया जाएगा, हॉलीडे होगी, क्योंकि एक बात देखेंगे विलय हिंदुस्तान का जो भी आधा अधूरा विलय हुआ था वो महाराजा हरि सिंह की कोशिशों के कारण हुआ था, और 5 अगस्त 2020 को पूरी तरह से अगर विलय कराया गया तो उसी महाराजा साहब के काम को रिकॉग्नाइज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने विलय करवाया पूरे हिंदुस्तान के साथ। तो मुझे लगता है अगर आप साइनर्जिज्म देखें दोनों चीजों में तो नीयत किसकी साफ है और किसकी नीयत में खोट है, ये आपको इन्हीं बातों से पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बक्स इंडिया के साथ आप जुड़े, अपनी बात कही। तो जिस तरह से बताया, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी हमने बात की और बीजेपी से भी बात की, दोनों का ये कहना तो है ठीक है कि छुट्टी घोषित होनी चाहिए, जो स्टेटहुड का दर्जा है वो वापस आना चाहिए, लेकिन अब ये लोगों के ऊपर है कि वो समझें कि किसकी नियत में खोट है और किसकी नियत में खोट नहीं है, कौन इस विषय में सियासत करने में लगा है और कौन जो है ईमानदारी से चाहता है कि छुट्टी घोषित होनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।